हेलो एवरीवन, चलिए आज बनाते हैं अरबी की बहुत ही स्वादिष्ट और मसालेदार सब्ज़ी। अगर आपने एक बार अगर इस तरीके से बना लिया ना, तो आप हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैंने जो अरबी ली है उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं हर जगह, जैसे हमारे सीजी में इसे कोचई भी बोलते हैं, तो आपके क्षेत्र में इसे क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम अरबी को अच्छे से पानी से साफ कर लिया था, फिर इसे छील लिया था, फिर इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। यहाँ पर मैं 3 प्याज, 4-5 टमाटर और थोड़े से अदरक लहसुन और मिर्ची और कड़ी पत्ता ले ली हूँ यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर मैं कढ़ाई चढ़ा लेती हूँ। यहाँ पर मैं डाल लेती हूँ 2 चम्मच तेल। तो यहाँ पर मैंने जो काट के रखे थे अरबी, उसको डाल लेती हूँ इसे थोड़ा सा भूंजने के लिए। इसे थोड़ा सा पका लेते हैं, इसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं इसे भूंज रही हूँ। भूनने से क्या होता है कि इसका टेस्ट है ना, बहुत ही अच्छा आता है। और जब भी आप इसे काटें ना, तो थोड़ा सा चाकू में तेल लगा के काटिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुजली करता है अगर आप ऐसी काट ले तो इसलिए आप थोड़ा सा तेल लगा लीजिए हाथों में और चाकू में। फिर उसके बाद बारीक बारीक काट लीजिए। यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया, इससे ये आधा तो पक चुका है, इसे में आधा हम मसाले में पकाएंगे। उसके बाद मैंने 2 चम्मच तेल में सरसों और जीरा डाल दिया। उसके बाद इसमें मिर्ची और कड़ी पत्ता डाल देती हूँ। फिर मैंने प्याज लहसुन अदरक को पीस लिया था, उसे मैं डाल देती हूँ और इसे हम ढक देते हैं, क्योंकि डालने से क्या है, इसका बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ढक देती हूँ इसे। आप लोग किस टाइप से बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैं 1-2 चम्मच हल्दी, 2-3 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला डाल लेती हूँ, और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देती हूँ 1 चम्मच। इससे इसका कलर जो है ना, बहुत ही अच्छा आता है कश्मीरी लाल मिर्च डालने से। अब मैं इसे भून लेती हूँ। आप चाहे तो और तेल डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं आधा छोटा चम्मच में हींग डाली थी, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और टमाटर को पीस के मैं यहाँ पे डाल दी, और मिर्ची, यहाँ पर मैं लाल मिर्च डाली हूँ 2-3, ताकि थोड़ा सा अच्छा और चटपटा बन जाए सब्ज़ी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्ची डालिएगा, ज़रूरी नहीं कि मैं जैसा मिर्ची डाल रही हूँ वैसा ही डालें आप। तो देखिए, यहाँ पर भूनी थी मैं टमाटर को, तो अच्छे से ये भून गया है। तो अब इस टाइम हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच नमक डाल देते हैं, और थोड़ा सा और डाल देते हैं नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक यूज़ कीजिएगा। अब मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूँ सबको। उसके बाद हम अपने अरबी जो भूंज के रखे थे उसे हम डाल देते हैं। अब मैं इसे सबको अच्छे से मिला लेती हूँ। इसमें मसाले के साथ अगर थोड़ा सा हम इसे और पका लेते हैं ना, तो इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मसालों के साथ भी मैं इसे भून लेती हूँ। फिर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल दूँगी। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून दही डाल रही हूँ। अब फिर मैं इसे मैं ज़्यादा दही नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि क्या है कि ज़्यादा दही डालने से खट्टा सब्ज़ी बन जाएगा, इसलिए इसमें 2 टेबल स्पून डाल, हल्का सा खट्टेपन के लिए। आप चाहे तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, यहाँ पर सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी है। अब मैं इसे थोड़ा सा और पकाना है मुझे, उसके बाद ये सब्ज़ी बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं अरबी को दबा के देख रही थी कि ये पका है कि नहीं, तो आप एक बार ज़रूर इसे दबा के देखिएगा। तो इसे मैं थोड़ा सा और पका लेती हूँ। ये देखिए, बहुत अच्छे से ये बन जाती है सब्ज़ी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये देखिए, मैं आपको दबा के दिखा रही हूँ, ये बहुत अच्छे से पक चुकी है, मतलब हमारी सब्ज़ी हो गई है तैयार। ये देखिए, बहुत अच्छे से पक गई है ये। अब मैं इसमें धनिया की पत्ती डाल दूंगी। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी ये सब्ज़ी। ये देखिए,
आप चाहे तो पतला गाढ़ा अपने अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। वैसे ये इस टाइप्स की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए, इससे क्या है कि सब्ज़ी का पूरा टेस्ट इसमें बहुत अच्छे से आता है। आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो उतना टेस्ट नहीं आएगा, इतने ही मतलब रस में अच्छा लगता है सब्ज़ी ये। तो अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कैसी लगी मेरी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम अपनी एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।